रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के एक बयान ने पाकिस्तान से लेकर चीन तक हड़कंप मचा दिया है। दरअसल रक्षा मंत्री ने गिलगित, बलूचिस्तान और पाकिस्तान पर अब तक का सबसे बड़ा बयान दे दिया है। इससे सरहद पार दुश्मन देशों की धरती पर भूचाल आ गया है। सिर्फ पाकिस्तान और चीन ही नहीं बल्कि अमेरिका भी भारत के इस कड़े रुख से सकते में पड़ गया है। शौर्य दिवस पर आयोजित एक कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि देश ने पीएम मोदी के नेतृत्व में सभी क्षेत्रों में बड़ी प्रगति की है। कश्मीर से लद्दाख तक प्रगति नई रफ्तार से आगे बढ़ रही है। ये प्रदेश विकास की नई ऊंचाइयां छू रहा है। हालांकि मैं यहां कहना चाहूंगा कि अभी तो हमने इस इलाके के डेवलपमेंट का आधार प्रकट किया है। अभी तो हमने उत्तर दिशा की ओर चलना प्रारंभ कर दिया है। हमारी यात्रा तो तब पूरी होगी जब हम 22 फरवरी 1949 को भारतीय संसद में सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव को अमल में लाएंगे और उसके अनुरूप हम अपने बाकी बचे हिस्से जैसे गिलगित, बलूचिस्तान और पाकिस्तान तक पहुंचेंगे। भारत की विकास यात्रा तभी पूरी होगी। रक्षा मंत्री ने आगे कहा कि हमारे विकास की यात्रा तब पूरी होगी जब 1947 में भारत आए शरणार्थियों के साथ न्याय होगा, उन्हें जब अपने पूर्वजों की जमीन पर सम्मान के साथ रहने का मौका मिलेगा। उन्होंने कहा कि मैं अपनी सेना और लोगों की ताकत से वाकिफ हूँ। वो दिन दूर नहीं जब हम पीओके को वापस लेंगे और अपने सारे मकसद हासिल करेंगे। यही नहीं, उन्होंने इस दौरान उन लोगों पर भी अटैक किया जो आतंकवादियों के मानवाधिकार की बात करते हैं। राजनाथ सिंह ने कहा कि इस क्षेत्र में जब भी सेना या पुलिस कोई एक्शन लेती है तो कुछ बुद्धिजीवी कहते हैं कि मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यही नहीं रुके, उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके भी भारत का हिस्सा है। भारत पीओके को भी अपने देश में शामिल करने के संकल्प को बार बार दोहराता रहा है। अब गिलगित और बलूचिस्तान तक को भारत में भविष्य में विलय कराने के संकल्प से निश्चित ही पाकिस्तान और चीन को कई दिनों तक नींद नहीं आएगी। पाकिस्तान और चीन इसलिए भी घबरा रहे हैं कि पीएम मोदी और अमित शाह की तरह रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी कड़े और सख्त तेवर के हैं। पाकिस्तान और चीन को पता है कि भारत में इस वक्त बेहद मजबूत नेतृत्व है। ऐसे में उसकी बात को हल्के में लेने की गलती पाकिस्तान और चीन नहीं कर सकते। इसलिए भी दोनों देशों में रक्षा मंत्री के इस बयान ने दहशत फैला दी है। इस खबर पर अपनी राय जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखते रहें।